हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग टुडे। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनम, एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लाइफ साइट विजिट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी लेकर आई हूं, जो लोकेटेड है एयरपोर्ट रोड एरो सिटी मोहाली में। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये विला हमारे सामने है। तो गाइज, दिस इज़ अ 5 PHK विला, एंड इसका साइज़ रहने वाला है 250 गज, यानी कि 250 स्क्वायर यार्ड्स। सामने आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सा बर्न एरिया आपको मिल रहा है, जहाँ पे आप अपनी कार पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे आई विल लुक दिस स्मॉल एरिया, यू कैन मेंटेन इट एज अ गार्डन। आप एक छोटा मिनी गार्डन यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। यहाँ पर आप एलिवेशन पे एक नज़र डालें तो जस्ट हैव अ लुक एट द एलिवेशन, इट्स वेरी यूनिक। आप ये जो वाइट में पैटर्न वर्क देख रहे हैं, इट्स ब्यूटिफुल। एंड यहाँ पर उन्होंने ग्लास वर्क किया है, ग्लास फेंसिंग दी है। अगर गेट की बात करें, गेट भी बहुत यूनिक डिज़ाइन में है, पूरा स्टील एंड ग्लास वर्क किया है इन्होंने, थोड़ा सा वुडन लुक भी दिया है विद दिस। तो बहुत ही यूनिक है ये ऑल इन ऑल। चलिए अब अंदर चल के चेकआउट करते हैं। तो गाइस, अंदर आते ही आ जाता है हमारा पार्किंग एरिया, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे आप आराम से 2 व्हीलर्स पार्क कर सकते हैं। एंड ये जो पूरी टाइल्स है ना तैयार की, ये एंटी स्किड टाइल्स है, तो बारिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसे वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं, जैसे कि उन्होंने टैप्स प्रोवाइड किए हैं, सॉकेट प्रोवाइड किया है, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस एंटायर एरिया फॉर द पार्किंग। बहुत ही स्पेशियस है, आराम से आपकी एक कार एंड एक 2 व्हीलर पार्क हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने छोटी शेल्फ तैयार की है, ये किसी भी तरीके से यूटिलाइज हो सकती है। यहाँ पे आप ये स्टेयरकेस देख रहे हैं, इस घर में एक बेस्ट बात यह है कि आप एक्सटर्नल, आपके ऊपर के एक्सेस के लिए एक्सटर्नल स्टेयरकेस भी है एंड इंटरनल भी। अगर आप ये प्लेस रेंट आउट करना चाहते हो ऊपर किसी को, यू कैन लेट देम यूज द एक्सटर्नल वंस, अदरवाइज यू ऑलवेज हैव द इंटरनल वंस। कम, लेट्स चेक आउट इनसाइड। सबसे पहले बात करते हैं डोर की, तो आपको एक नेट डोर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसे मैश डोर कहते हैं। एंड यहाँ पर आ जाता है आपका वुडन डोर, जस्ट हैव अ लुक, काफ़ी यूनिक लुक में है ये, बहुत प्रीमियम क्वालिटी की वुड यूज़ की गई है, एंड बीच में उन्होंने ग्लास वर्क किया है, इट्स ब्यूटिफुल। अंदर आते ही फायर स्पेस आ जाता है, इसको आप अपने हिसाब से कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। एंड यहीं से एंटर करेंगे हमारे लाउंज या लिविंग स्पेस की तरफ। हाँ, वो लुक काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, आराम से आप यहाँ पे 5 सीटर सोफ़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे आप इसको भी किसी तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक उसमें दिया गया है, पैटर्न में दिया गया है, ये बहुत ही कम जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है। प्लस नेचुरल लाइटिंग के लिए भी आप देख सकते हैं कि आपको बहुत ही बड़ी सी एक विंडो प्रोवाइड की गई है फॉर नेचुरल लाइटिंग। ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा फैन लगा है विद डेकोरेटिव लाइट्स, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है अपने आप में। फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं कोव लाइट्स के साथ आपको प्रोवाइड की जा रही है, एज इट इज़ आपको ये सब मिलने वाला है। चलिए आगे चेकआउट करते हैं, चलते हैं यहीं से हमारे डाइनिंग स्पेस की तरफ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस डाइनिंग स्पेस है, यहाँ पर आप आराम से अपनी डाइनिंग लगा सकते हैं, आराम से आप तकरीबन 8 सीटर डाइनिंग लगा सकते हैं इजीली। इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना बार एरिया बना सकते हैं, क्रॉकरी पैनल बना सकते हैं, या फिर आप LED पैनल TV भी लगा सकते हैं यहाँ पे। इट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग टू यूज़, इसका यूटिलाइजेशन आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। चलिए आगे चलते हैं। सो हियर वी आर एट द हार्ट ऑफ द होम, यस आई एम टॉकिंग अबाउट द किचन। हैव अ लुक, बहुत ही ग्रैंड किचन है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। रेफ्रिजरेटर के लिए आप ये वाली स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज किचन प्रोवाइड की गई है विद हाइड्रोलिक क्लोजर, जस्ट हैव अ लुक। बहुत ही सॉफ्ट क्लोजर है इसका, आपको डबल सिंक प्रोवाइड किया जा रहा है विद 4 टैप्स, दैट्स ब्यूटिफुल। RO का प्रोविजन एंड गीजर का प्रोविजन भी रहेगा। ऊपर आप देख सकते हैं आपको बहुत ही अमेजिंग सा वही डेकोरेटिव फैन मिल रहा है विद लाइटिंग्स, फॉल सीलिंग विद एम्बिएंट लाइटिंग्स भी एज इट इज़ मिल रही है। यहाँ पर आप एक ब्रेकफास्ट काउंटर तैयार कर सकते हैं और अपना और भी इक्विपमेंट्स रख सकते हैं, बिकॉज दिस किचन इज सुपर स्पेशियस। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर बैकयार्ड या वॉशिंग एरिया, कम ऑन। सो गाइज, दिस इज़ द वॉशिंग एरिया या बैकयार्ड के लोग, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, आराम से गर्मियों में सर्दियों में अपने कपड़े यहाँ सुखाए जा सकते हैं आपके। बहुत ही ओपन एरिया प्रोवाइड किया जा रहा है, टैप्स यहाँ पे है तो वॉशिंग मशीन भी यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्रम्बल अप करना हो आपको अपने एक्स्ट्रा घर के, वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। So here we have our first bedroom.
आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे आप वार्डरोब तैयार कर सकते हैं, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा स्पेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड वार्डरोब तैयार करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए वार्डरोब है। जस्ट हैव अ लुक। उसके बावजूद बहुत ज़्यादा स्पेशियस, एक वॉक इन क्लोजेट आपको मिल रहा है, ड्रेसिंग आपको प्रोवाइडेड है एंड बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है ये। बहुत ही बड़ी कबर्ड आपको प्रोवाइड की जा रही है। अंदर आ जाता है आपका अटैच्ड वॉशरूम, देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट वॉशरूम है। टाइल वर्क बहुत ही अच्छा किया गया है, फुल लेंथ वॉल टाइल्स प्रोवाइड की गई है, एंटी स्किड टाइल्स है, ब्रांडेड फिटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं पूरी जैगुआर की फिटिंग्स है सारी की सारी। तो बहुत ही अमेजिंग वॉशरूम है ये। वेंटिलेशन के लिए विंडो भी प्रोवाइड की गई है। ओके, सो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। बट उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉल सीलिंग भी आपको प्रोवाइड है विद कोव लाइट्स एंड नेचुरल लाइटिंग के लिए विंडो भी है गाइस। एंड यहाँ पर आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम जो सेकंड बेडरूम से अटैच्ड है, वो मैं आपको वहीं से दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। सो हियर वी आर इन थिंग द सेकंड बेडरूम। इससे आप गेस्ट बेडरूम बना सकते हैं अगर आपकी प्राइवेसी मेंटेन करनी है, ये बच्चों का बेडरूम बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, आप देख सकते हैं डिसेंट बेड यहाँ पे लगा है। उसके बाद भी मूवेबल स्पेस है, काउच लगाइए, टेबल लगाइए, चेयर लगाइए, कॉफ़ी टेबल कुछ भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही बड़ी सी विंडो प्रोवाइडेड है नेचुरल लाइटिंग के लिए, आप देख सकते हो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइटिंग है। यह आपको फैन विद डेकोरेटिव लाइट्स आपको ऑलमोस्ट हर जगह प्रोवाइडेड है विद फॉल सीलिंग एंड कोव लाइट्स। ये वुडन वर्क आपको एज इट इज़ मिलने वाला है विच इज़ वेरी अमेजिंग। साइड टेबल्स प्रोवाइडेड है, इससे बढ़िया और क्या ही होगा। चलिए आगे आते हैं। तो यहाँ पर एज आई टोल्ड यू ड्रेसिंग आपको बहुत बड़ी मिल रही है, आप देख सकते हैं बहुत ही ह्यूज ड्रेसिंग है, पूरा आपको वॉक इन क्लोजेट मिल रहा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम क्लोजेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम जो आपके सेकेंड बेडरूम से अटैच्ड है। अब आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, थोड़ा वुड लुक में इन्होंने टाइल वर्क किया है, यहाँ पे जैगुआर की फिटिंग्स दी है, फुल लेंथ वॉल टाइल्स, एंटी स्किड टाइल्स। ये तो देखा था आपने हमारा ग्राउंड फ्लोर, अब चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। कम ऑन। तो गाइस यहाँ पे हम चल रहे हैं, आप देख सकते हैं स्टेयरकेस पे भी इन्होंने ग्लास फेंसिंग की है स्टील वर्क के साथ, इट्स ब्यूटीफुल इन इटसेल्फ। तो गाइस ऊपर आते ही सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट बेडरूम, चलिए आगे चेकआउट करते हैं। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेशियस है, डिसेंट साइज बेड यहाँ लग सकता है। उसके बाद एक छोटी स्टडी लगा सकते हैं, कोई बीन बैग्स लगा सकते हैं, काउच लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग विद लाइटिंग प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक बालकनी यहाँ पे प्रोवाइडेड है जिसके आपको हम व्यू दिखा देंगे। आगे चलते हैं हमारे अटैच्ड वॉशरूम की तरफ। यहाँ आ जाता है आपका वॉक इन क्लोजेट, डिसेंट अलमीरा आपको प्रोवाइडेड है, कबर्ड प्रोवाइडेड है विद अच्छी सी ड्रेसिंग भी आपको साथ में प्रोवाइडेड है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक फायर स्पेस टाइप्स है, आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ आ जाता है आपका वॉशरूम, जस्ट हैव अ लुक। काफ़ी डिसेंट स्पेस है इस वॉशरूम की भी, टाइल वर्क बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक स्टाइल में किया गया है, एंटी स्किड टाइल्स प्रोवाइडेड है, फुल लेंथ वॉल टाइल्स है, जैगुआर की फिटिंग्स हैं एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो भी। गैलरी आ जाती है, आप इसे कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, एक अच्छी सी पेंटिंग वगैरह लगा सकते हैं टू मेक इट मोर डेकोरेटिव। यहाँ आ जाता है आपकी फ्रंट बालकनी, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, आप देख सकते हैं इसको आप वॉशिंग एरिया के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे आप फ्लावर पॉट्स लगा सकते हैं, मिनी गार्डन बना सकते हैं फ्लावर पॉट्स लगा के, बहुत ही अमेजिंग स्पेस है जिसे कैसे भी यूटिलाइज किया जा सकता है। एंड यहाँ पे एंटी स्किड टाइल्स प्रोवाइड की है, तो अगर कपड़े सुखाने हो, बारिश में गीला हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग है। ये आप देख सकते हैं जो फेंसिंग की है, पूरी ग्लास फेंसिंग की है एंड स्टील वर्क के साथ, वेरी ब्यूटीफुल इन इटसेल्फ। यहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेस आपको प्रोवाइडेड है, ये भी आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी वही एक्सटर्नल एंट्रेंस आ जाती है इधर से, जहाँ से आप एक्सटर्नल जो मैंने आपको नीचे दिखाया था, यहाँ आ जाते हैं हमारे इस फ्लोर के सेकंड बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हैं कम इन, तो चेकआउट कीजिए ये हमारा इस फ्लोर का सेकंड बेडरूम, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है,
डिसेंट साइज बेड लग जाएगा। अलमीरा आपको प्रोवाइडेड है वेदर ड्रेसिंग जो कि इट्स वन ऑफ अ ड्रीम क्लोजेट, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज। नीचे शूज लगा सकते हैं, यहाँ पे मेकअप रख सकते हैं, यहाँ पे आप सारे अपने क्लोथ्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ब्यूटीफुल इन इट सेल्फ। LED पैनल आपको प्रोवाइडेड है एज इट इज़, आप इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाता है आपका अटैच्ड वॉशरूम। तो ये बहुत ही डिसेंट साइज का वॉशरूम है। यहाँ पर आपको एंटी स्किड टाइल्स दी जा रही है, फुल लेंथ वॉल टाइल्स है, जैगुआर की फिटिंग है वंस अगेन, एंड बहुत ही सुंदर लग रहा है। कम लेट्स मूव इन। तो यहाँ आ जाता है हमारा एक छोटा सा मिनी किचन, आप इसको पैंट्री के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप रेंट आउट करना चाहते हैं तो जो आपके रेंटीज है वो इसे किचन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें भी यहाँ पे मॉड्यूलर किचन ही प्रोवाइडेड होगा विथ हाइड्रोलिक क्लोजर। यहाँ पर आपको RO एंड गीजर का प्रोविजन भी प्रोवाइड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हियर कम्स द हमारा थर्ड बेडरूम इस फ्लोर का। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। आई वुड से दिस माइट बी द मास्टर बेडरूम। LED पैनल प्रोवाइडेड है यहाँ पर भी, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है दिस वार्डरोब विद द ड्रेसिंग जो कि बहुत सुंदर लग रही है अपने आप में, बहुत यूनिक डिज़ाइन में है। कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी डिफरेंट। नेचुरल लाइटिंग के लिए बहुत ही बड़ी सी विंडो प्रोवाइड की गई है, एंड दिस इज अगेन द बालकनी। सो गाइज, ये देखा आपने 5 BHK वाला ड्यूप्लेक्स विला जो कि लोकेटेड है एयरपोर्ट रोड पे, एरो सिटी मोहाली, जो कि बहुत ही पॉश एरिया है। गाइज कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल लाइफ साइट विजिट। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सोनम, आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।